गरियाबंद जिले में अवैध रेत परिवहन के मामले दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, मगर खनिज अधिकारी या रेत माफियाओं को पकड़ने के बजाय पुलिस परिवहन चालान काटकर अपना फर्ज अदा कर रही है। इसके बाद भी पकड़े गए ट्रैक्टर को पकड़ने के बाद कार्यवाही में देरी, चालान के नाम पर परेशान किया जा रहा है। इसी समस्या के चलते जिला पंचायत ने खनिज अधिकारी नागेश से तफ्तीश से पूछताछ की, परंतु नागेश ने तमाम आरोपों पर चुप्पी साध ली है। बोलते हैं कि एसडीएम के पास दो, तो भाई आप जिले में किस लिए बैठे हो? हमारी कहना है मिलने के लिए उसके पास टाइम नहीं है। जिले में इतने बड़े महामारी आए हैं, जिले के लॉकडाउन करने के लिए मांग कर रहे हैं, न कि हम लोग कोई अपना पर्सनल मांग कर रहे हैं। जिले की समस्या को अवगत कराने के लिए जिलाधीश महोदय के पास हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। सम्माननीय कलेक्टर महोदय मिलने के लिए उसके पास टाइम नहीं है, मैं इसी व्यवस्था में लगा हूँ, ऐसा है वैसा है। भाई इतने बड़े बड़े जनप्रतिनिधि चुन के यहाँ आए हैं, आप उससे भी नहीं मिल रहे हो तो आम जनता से क्या मिलोगे आप? जिला पंचायत के इतने बड़े बड़े सभापति लोग, पंचायत के सदस्य लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं कि जिले की इतने भारी समस्या को जितना जल्दी हो सके पूर्ण लॉकडाउन करके ये कोविड-19 की लड़ाई को बहुत अच्छे ढंग से लड़ा जा सके, यही हमारी मांग है, यही हमारी समस्या है। और मैं तो कहूंगा माननीय कलेक्टर महोदय को प्रेस के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि ये गरियाबंद जिले में आप कलेक्टर हो, कलेक्टर की गरिमा को आप बनाए रखें, कलेक्टर की कुर्सी की पावर को आप सही इस्तेमाल करें, ना कि किसी को परेशान करें। क्षेत्र में बहुत सारे किसान लोग परेशान हो गए हैं, अभी ट्रैक्टर से रेत ले जा रहे हैं पंचायत के काम के लिए। ये आप पीएम आवास के उतेश पांडे की रिपोर्ट।